drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone. Welcome to Edupedia World Videos. Today we are going to learn agreement of relative pronoun and its antecedent. Relative pronoun अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम और एंटीसीडेंट वो शब्द जिसके लिए वो सर्वनाम का उपयोग हो रहा है। दोनों का रिलेशन कैसे होता है और दोनों किस प्रकार से साथ में कार्य करते हैं या क्या वर्ब लगता है इन दोनों के लिए, वो आज हम सीखेंगे। As the relative pronoun refers to a noun or a pronoun called its antecedent, it should be of the same number and secondly the same person as its antecedent. ये point हमें ये समझा रहा है कि जो भी relative pronoun अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम हम उपयोग कर रहे हैं वो और जिस noun और pronoun के लिए हम उसे उपयोग कर रहे हैं वो शब्द दोनों ही सेम नंबर के होना चाहिए। मतलब अगर जो एंटीसीडेंट है नाउन या प्रोनाउन पहले यूज किया गया है वो एक वचन में है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी एक वचन के अकॉर्डिंगली ही उपयोग किया जाएगा। लेकिन अगर नाउन और प्रोनाउन जो पहले लिखे जा चुके हैं ये एंटीसीडेंट बहुवचन में है प्लूरल में है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी एज प्लूरल उपयोग किया जाएगा। एंड देन वी सी दोनों का ही पर्सन भी सेम होता है। सो अगर एंटीसीडेंट फर्स्ट पर्सन में है रिलेटिव प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन में होगा। अगर वो नाउन या प्रोनाउन शब्द जो कि एंटीसीडेंट है वो सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन में है तो उस शब्द के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग हुआ है वो भी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन में होगा। तो हमेशा हमें रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट सेम नंबर में मिलेंगे और सेम पर्सन में मिलेंगे। रिमेम्बर दैट द वर्ब शोज द नंबर एंड पर्सन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम ये समझें कि कैसे पता चलेगा कि जो एक वचन है बहुवचन है रिलेटिव प्रोनाउन का या वो प्रथम पुरुष में है फर्स्ट पर्सन में है द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष सेकंड या थर्ड पर्सन में है। तो ये चीज हमें पता चलती है वर्ब से। सेंटेंस में जो वर्ब का उपयोग होता है उससे हम समझ पाते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है या नाउन या प्रोनाउन जो भी हम उपयोग कर रहे हैं वो नंबर में कैसा है, एक वचन है या बहुवचन सिंगुलर या प्लूरल या वो कौन से पर्सन में लिखा गया है। तो वर्ब जो रहता है वो इस चीज को हमें बताता है। नाउ दीज टू पॉइंट्स वी विल अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स से हम ये दोनों पॉइंट्स को समझेंगे और एग्रीमेंट को समझेंगे कि किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट वर्ब से जुड़ते हुए सेंटेंस फॉर्म करते हैं। वी सी हियर एग्जांपल्स एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। पहला है द गर्ल हु वाज गिल्टी ऑफ बंकिंग क्लास वाज पनिश्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं हु शब्द जो है वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और गर्ल जो है वो हमारा एंटीसीडेंट है। वो लड़की जो कि क्लास बंक करने के लिए पकड़ी गई थी उससे पनिशमेंट मिला, उसे सजा मिली। तो यहाँ पर गर्ल जो है एक वचन है, बहुवचन होता तो गर्ल्स होता क्योंकि गर्ल जो है वो एक वचन है और हु जो है वो हम वैसे तो एक वचन बहुवचन दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे वो एक वचन के लिए उपयोग में आया है। इसके लिए हमने जब बाद में was use किया है
ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर नंबर के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ गर्ल जो है वो थर्ड पर्सन है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए वॉज यहाँ पे करेक्ट जाता है। अगेन, सेंटेंस के आगे भी जब हम वॉज पनिश्ड लिख रहे हैं, वॉज शब्द से क्लियर हो जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो एक वचन में है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड। लड़के जो कि सुस्त थे उन्हें सजा मिली। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट या एंटीसिडेंट चेंज हो गया है। बॉयज, बॉयज इज प्लूरल। लड़कों के लिए बॉयज शब्द का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आया हु, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। बॉयज प्लूरल में है, थर्ड पर्सन है, इसलिए जब हमें वर्ब की जरूरत पड़ी तो हमने वॉज या वर में से वर का उपयोग किया, जो कि हमेशा प्लूरल वाले नाउंस या प्रोनाउंस के लिए उपयोग होता है। वर लेजी, वर पनिश्ड। सो दिस इज हाउ वर्ब एंड एंटीसिडेंट एंड रिलेटिव प्रोनाउन वर्क टुगेदर। नेक्स्ट वी सी, आई हु एम योर टीचर विल टेक यू टू द हॉल। यहाँ पर हम देख सकते हैं आई जो है वो हमारा एंटीसिडेंट है। आई एक्चुअली एक प्रोनाउन है, इस सेंटेंस में एंटीसिडेंट जैसा काम कर रहा है। आई मतलब एक वचन, मैं एक वचन में रहूंगी। साथ ही साथ आई का उपयोग हम फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं। तो अगर मुझे अगर सिंपल एक सेंटेंस कहना होता, आई एम निहारिका, यहाँ पर एम का उपयोग हेल्पिंग वर्ब का किया है, जो कि ये बता रहा है कि आई फर्स्ट पर्सन है। सो सेम इज विद यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। आई हु एम योर टीचर, मैं जो कि तुम्हारी शिक्षिका हूँ, विल टेक यू टू द हॉल, तुम्हें हॉल तक ले जाऊंगी। एम का उपयोग हुआ है आई के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई हु के बाद भी हम एम ही रखेंगे। साथ ही साथ जब बाद में हम टेक बोल रहे हैं, टेक बोल रहे हैं क्योंकि आई का उपयोग हुआ है, फर्स्ट पर्सन का उपयोग हुआ है, साथ ही साथ सिंगुलर नंबर है। टेक शब्द जो है वो सिंगुलर के लिए उपयोग होता है और थर्ड पर्सन को छोड़कर बाकी सभी पर्संस के लिए यूज होता है। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हो, ही इज द पर्सन दैट इज टू बी ब्लेम, यह वो व्यक्ति है जिस पर ब्लेम आना चाहिए। ब्लेम अर्थात आरोप। सो ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंगली इज लगा। अगर ज्यादा लोग होते तो आर लगता। ही इज द पर्सन दैट, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमें कोई वर्ब चाहिए था, हमने कुछ चेंज नहीं किया। जैसा कि एंटीसिडेंट सिंगुलर नंबर नाउन है और साथ ही साथ थर्ड पर्सन है, हमने इज शब्द का उपयोग करते हुए सेंटेंस आगे बनाया। वी हु वॉन्ट योर प्रोटेक्शन आर कंसीडर्ड नथिंग। हम जो कि तुम्हारी सुरक्षा चाहते हैं, कुछ भी नहीं लगते, या हमें कंसीडर नहीं किया जाता, हमें माना नहीं जाता। वी के कारण हमने यहाँ पर एंटीसिडेंट जो है हु का उपयोग करा है और हु के बाद में वॉन्ट का उपयोग करा है। अगर वी ना होकर ही होता या शी होता, तो शी हु वॉन्ट्स योर प्रोटेक्शन आ जाता, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो वर्ब के बाद
एस लग जाता है, लेकिन यहाँ वी है, प्लूरल है। प्लूरल के बाद में हु लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके कारणवश जो हम वर्ब का उपयोग कर रहे हैं उसे ये कंसीडर करते हुए उपयोग कर रहे हैं कि ये शब्द जो है वो हमारे रिलेशन में आने पाए, एंटीसिडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब। आर कंसीडर नथिंग, यहाँ पर आर का उपयोग भी वी को मद्देनजर रखते हुए करा है। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। यू हु आर माइटी शुड बी हम्बल, तुम जो कि सामर्थ्यशाली हो तुम्हें दीन होना चाहिए। यू के लिए हमेशा हम आर का उपयोग करते हैं अगर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही हो। यू के बाद में लगा है हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। दोनों ही सेकंड पर्सन में है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सेम वर्ब का फॉर्म उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आर का उपयोग इसके अकॉर्डिंगली किया गया है। देन यू हु लैक विजडम शुड आस्क फ्रॉम गॉड, तुम जो कि बुद्धि की कमी रखते हो ईश्वर से तुम्हें उसे मांगना चाहिए। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं लैक जो वर्ब का उपयोग हुआ है वो यू के अकॉर्डिंगली हुआ है। He that is not with me is against me. वो जो कि मेरे साथ नहीं है मेरे विरुद्ध है। He जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है। इसके बाद में that लगा है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, बट क्योंकि he हमारा सिंगुलर में है थर्ड पर्सन में है तो is का उपयोग हमने वर्ब में किया है। बिकॉज प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर नाउन हो तो हम इस का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है तो भी इस का प्रयोग होगा। तो इस का यूज करते हुए हमने आगे का सेंटेंस बनाया है। He that is busy has no time to waste. वो जो कि व्यस्त है उसके पास समय वेस्ट करने के लिए नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम he that is busy बोल रहे हैं। he के साथ में जिस प्रकार से is लगता है उसी प्रकार से that जो कि relative pronoun है उसके बाद भी हम is ही लगाएंगे। वही हम देखते हैं second part में has no time to waste। has का उपयोग भी हम present tense में करते हैं जब कभी भी सिंगुलर नाउन की बात हो रही हो। ही सिंगुलर नाउन है, has goes perfectly with it. The one that eats till he is sick must fast till he is well. Now this is a proverb from Shakespeare. शेक्सपियर की किताब से ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ ये होता है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि तब तक कोई कार्य करता है, जैसा कि तब तक खाता है जब तक वो बीमार नहीं पड़ जाता, उसे ठीक होने के लिए भी उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर वो खाकर बीमार हो रहा है तो उसे उतने समय का उपवास रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो भी काम करते हुए वो लिमिट रीच कर गया है, वो उसे नुकसान देने लगी है, उसे उतना ही समय लगेगा रिकवर होने में। सो दिस इज द मीनिंग। यहाँ पर द वन है, द वन यानी हम एक व्यक्ति की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस कारण से दैट के बाद में जब हमको एक वर्ब लगाना था हमने ईट्स लगाया है, ईट नहीं लगाया है। नेक्स्ट वी सी सम मोर एग्जाम्पल्स। दे who live in glass houses should not throw stones. इसका literal meaning अर्थात शाब्दिक अर्थ होता है कि जो खुद कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये एक proverb है जिसका अर्थ है
कि अगर हम में कुछ फॉल्ट है तो वही फॉल्ट हम दूसरों में इंडिकेट नहीं कर सकते, या ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। खुद में कमी है और दूसरों की कमियों को नहीं बताना चाहिए। यहाँ पर दे शब्द जो है वो है एंटेसिडेंट, इट्स अ प्रोनाउन। दे प्लूरल में है और थर्ड पर्सन है। इसके बाद में हु लगा है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट इज द रीजन हमने लिव यहाँ पर उपयोग किया है। द वर्ब लिव हियर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू दे एंड हु। दे हु सीक ओनली फॉर फॉल्स सी नथिंग एल्स। जो हमेशा दोषों को ढूंढता रहता है वो और कुछ नहीं देखते। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दे प्लूरल में है, एंटीसिडेंट है, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद में लगने वाला वर्ब सीक और वापस से लगने वाला वर्ब सी, दोनों ही हमने एंटीसिडेंट के अकॉर्डिंग यूज किए हैं, बिकॉज ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। बट हमारा जो एंटीसिडेंट है वो प्लूरल में है, थर्ड पर्सन है, इसके कारण हमने एस को या ई एस को ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट वर्ब का उपयोग किया है। नेक्स्ट वी सी द फ्लावर्स विच आर फॉर सेल ग्रो इन आर गार्डन। फूल जो कि सेल पर हैं वो हमारे गार्डन में उगते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं आर और ग्रो दोनों ही फ्लावर्स शब्द के अकॉर्डिंग यूज हुए हैं। जैसे कि फ्लावर्स हमारा एंटीसिडेंट है, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। दोनों ही के बाद में, स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में लगने वाला वर्ब एंटीसिडेंट के अकॉर्डिंगली यूज हुआ है। फ्लावर्स प्लूरल में था तो आर उपयोग हुआ। सिमिलरली थर्ड पर्सन है फ्लावर्स लेकिन प्लूरल में है तो हमने ग्रोज या ग्रीव उपयोग नहीं किया, केवल ग्रो का उपयोग किया है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग। यहाँ पर वन ऑफ हिज नॉवेल्स बेसिकली एक चीज की बात हो रही है, उसकी नॉवलों में से एक। इसलिए हमने एंटीसिडेंट को ध्यान में रखा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद में जो वर्ब उपयोग करा है वो किया है हमने वन के अकॉर्डिंग इज, क्योंकि वन से हमको पता चल रहा है कि एक वचन में है हमारे वस्तु। एंटीसिडेंट सिंगुलर नंबर नाउन, दैट इज वाई इज का उपयोग हमने आफ्टर दैट करा है। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स। Thank you everyone for watching this video. Please do subscribe and turn on notification for more such lessons.